कहीं बेहतर जानता वह माटी का स्वभाव, तभी तो बेबाक बातें करता है। रोम रोम छू लेते उसके हाथ, पकड़ लेते देह में सिमटी मखमली परछाइयां। पत्थर, लोहा, कांसा, कांच गढ़ते पिघलते निपजते उसी माटी से माटी हो जाने को, उसकी सांसों से संगत कर मूर्त अमूर्त काया की माया बनकर आकृतियों के बहुरूप धर सृष्टि की अनुकृतियां हो जाने को। फिर तो क्या, फिर तो क्या गणित दिनों के या संवत्सर, अक्सर छोटी ही पड़ती जो गणनाएं मन मंतर की गोल चाख के चलने पर कितनी साफ दिखती। देखो जरा खुरदरी सतहों पर उंगलियों की छापों को, पोर पोर के स्पर्श हथेलियों की लकीरें और सहसा जल से झांकती हैं कायाएं जिनके दरमियान। यकीनन यकीनन बतलाती मुकाम दिशाओं पर लेटे अपने उस जागते सृजनहार का, लगातार कितना कुछ कहता जो गहरी बुनियादें बना बना कर गहता सहता है। व्यक्त अव्यक्त सी धाराओं के बीच भंवर में बूंद बूंद अनुभव चख कर बहता है। अंगारों की शब्द भरी भट्टी में ताप तपी तन मात्राओं सा अपने रहते असल समय के अर्थों को सहता है, सहता है। कागज पर आग भरी स्याही से बिंदु रेखा बिंब कोर कर मधु मोम पत्थर होने की एक कहानी कहता है। रंग भी उसको पाकर खिरते खुशबू बन बिखराते करवट करवट सुरमई लहरों संग टाँच टाँच कर शिला खंड केली करते हैं। दोहराते दुनिया में अपने होने को सूर्य चंद्रमा दोनों ही उसके संगी हैं। कतरा कतरा आसमान के तारे सारे जहां साथ उसका दिवा स्वप्न बन माया का। अब सबको इंतजार है दृग के दृश्य बने जो माटी के उस महतम को पा लेने का। अलबत्ता फिर से कहता हूँ कहीं बेहतर जानता है वह माटी का स्वभाव, तभी तो बेबाक बातें करता उसकी तासीरें चखता है। दृग बनकर इस दुनिया में रमता फिरता है, दृग बनकर इस दुनिया में रमता फिरता है।